जय हिंद। आज हम बात करेंगे चीन देश की। आजकल चीन की गिरती हुई जनसंख्या की वजह से वहां पर काम कर रहे लोगों पर काम का काफी बोझ बढ़ रहा है। वहां के कानूनों की माने तो कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित कर रखा है, किंतु वहां के कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है। उनके ओवरटाइम काम करने के बावजूद भी उनका उचित भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह समस्या घटती श्रम शक्ति यानी युवाओं की कम होती आबादी से है। चीन में कर्मचारियों पर किस तरह से ओवरटाइम काम कराया जा रहा है, इसका संकेत सोशल मीडिया में लोगों की प्रतिक्रियाओं से भी समझा जा सकता है। चीन के श्रम कानूनों के मुताबिक लोगों को हर रोज 8 घंटे या हफ्ते में 44 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए। चीन की राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने जब यह घोषणा की कि अप्रैल में पूरे चीन के श्रमिकों ने हर हफ्ते औसतन 48.8 घंटे की मेहनत की है और उसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, तो एजेंसियों द्वारा इस बात को लेकर मजाक बनाया गया। जबकि चीन श्रमिकों के लिए कुछ साल पहले सरकार ने 996 की नीति की घोषणा की थी। इसका मतलब है हफ्ते में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यानी हफ्ते में 72 घंटे काम करना होगा। युवा चीनी कर्मचारी इस नीति की आलोचना करते रहे क्योंकि वह ज्यादा मेहनत और दबाव महसूस करते थे। चीन की एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 के बजाय 2022-23 में चीनी श्रमिकों पर काम और समय दोनों की अवधि बढ़ गई है। वैसे तो अलग अलग देशों में काम के घंटों की तुलना करना कठिन है क्योंकि इसका कोई नियम नहीं बना है। फिर भी रिपोर्टों से यह साफ है कि चीन में के कर्मचारियों को ज़्यादा समय तक काम करना पड़ रहा है। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जब साप्ताहिक कामकाजी घंटों के आधार पर देशों की रैंकिंग अपडेट की तो चीन सबसे ऊपर था। जय हिंद।